हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईश्वर लिपिस चैनल। आज की रेसिपी है राइस कटलेट। ये राइस से बनाया है, ये बहुत ही यमी एंड टेस्टी बनता है। तो चलिए छोटे से इंग्रेडिएंट्स को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए यहाँ पे 1 कप राइस। मैंने यहाँ पे एक छोटे कटोरी में मैंने राइस लिया है। ये राइस बहुत ही सॉफ्ट है, थोड़ा नरम करके ही ये राइस को मैंने बनाया है, ये देखिए। और मुझे चाहिए यहाँ पे अनियन। मैंने छोटे साइज का एक अनियन एकदम छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और कोरिएंडर लीव्स। और मुझे चाहिए यहाँ पे कॉर्न स्टार्च। आपके पास कॉर्न फ्लावर हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 बिग स्पून लिया है, रेड चिली पाउडर 1 एग, सॉल्ट, ऑयल, और ये है ब्रेड क्रम्स। आपके पास ब्रेड क्रम हो तो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसको मैरिनेट के लिए रेडी करते हैं। सबसे पहले मैं एक मिक्सिंग बाउल में राइस ले लूँगी एंड उसके अंदर एक एक करके सारी इंग्रेडिएंट्स को डाल दूँगी। सबसे पहले मैं डालूँगी एक, फिर मैं उसके अंदर डालूँगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। आप यहाँ पे ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं आपको अच्छा लगे तो। मैंने यहाँ पे कॉर्न फ्लावर डाल दिया है, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स एंड अनियन को डाल दिया है। अनियन को ना थोड़ा सा छोटे पीसेस में कट कीजिए, इस पर बहुत ही अच्छा लगेगा। फिर उसके अंदर डालिए थोड़ा सा सॉल्ट, टेस्ट टू सॉल्ट आप डाल दीजिए जितना सॉल्ट की ज़रूरत है। फिर अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए, हाथ से मिक्स कर लीजिए। राइस बहुत ही सॉफ्ट है, उसके अंदर आप जब ये एक को मिक्स करेंगे तब देखेंगे कि ये बहुत ही सॉफ्ट बन चुका है। आपको लगे कि इसके अंदर और थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च की ज़रूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं। मुझे लगा कि मैं और 1/2 स्पून मैं कॉर्न फ्लावर यूज़ करूँ तो मैंने ऐड किया है। अभी इसको मैं ऐसे ही रख दूँगी, थोड़ी देर के बाद देखेंगे इससे थोड़ा सा पानी निकल के आया है, सॉल्ट जो मैंने दिया था। अभी मैं यहाँ पे मैंने ब्रेड क्रम्स डाल दिया है, मैंने करीब 2 स्पून ब्रेड क्रम्स इसके अंदर डाल दिया है, और अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। फिर हाथों में थोड़ा सा ऑयल लेके ऐसे दोनों हाथों में ऐसे लगा लेंगे। इससे क्या होगा, बहुत ही अच्छी तरह से हम इसका एक छोटे छोटे बॉल बना सकेंगे, और इसको आप मन चाहे शेप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे सर्कल शेप यूज़ कर रही हूँ। आपको पसंद है आप स्क्वायर भी बना सकते हैं, सर्कल भी बना सकते हैं, जो आपको पसंद है आप बना सकते हैं। ऐसे करके मैं सारे इस मिक्सचर से सारे कटलेट का शेप दे दूंगी। आप कोई भी साइज का भी बना सकते हैं, थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं, इससे बड़ा भी बना सकते हैं, मगर थोड़ा सा ऐसे फ्लैट करने से क्या हुआ, अच्छी तरह से फ्राई करने में इजी होगा। आप ऐसे शेप देने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको रख दीजिए, और मैं एक पैन में तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए। फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजिए, और इस मीडियम फ्लेम पे इसको हम फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने ऐसे सर्कल बना लिया है एंड बहुत ही अच्छी तरह से शेप दे दिया है। अभी मैं इसको फ्राई करूँगी। मैंने यहाँ पे पैन को गर्म कर लिया है, और तेल को मीडियम फ्लेम में रख के मैं एक एक करके सारे कटलेट को फ्राई कर लूँगी। आप ये एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। इसको आप एयर फ्रायर में थोड़ा सा ऑयल स्प्रे करके आप एयर फ्रायर में 400 डिग्री फारेनहाइट में आप 10 मिनट्स के लिए दे सकते हैं। इससे भी बहुत अच्छा बनता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्राई किया है, आप एयर फ्रायर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए धीरे धीरे इसको आप ऐसे ही फ्राई करेंगे। आप ऑयल में डालने के बाद तुरंत ही इसको पलटने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो ये टूट जाएगा
अराउंड 2-3 मिनट्स के बाद देखिएगा ये हार्ड हो जाएगा। फिर आप एक स्पून की मदद से अच्छी तरह से इसको पलट पलट के इसको फ्राई कर लीजिए और दोनों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन जब तक ना हो जाए तब तक आप इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा जगह बना लिया है और एक कटलेट मैं यहाँ पे दे दूंगी तो एक साथ फ्राई हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से मैंने गोल्डन ब्राउन करके इसको फ्राई कर लिया है और इसको हम अभी टिश्यू पेपर के ऊपर ले लूँगी, उससे क्या होगा एक्स्ट्रा ऑयल इस टिश्यू पेपर में आ जाएगा। ऐसे करके हम सारे कटलेट को फ्राई कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। मैंने दोनों तरफ ही अच्छे से ब्राउन कर लिया है। ये देखिए और ये देखिए ये मज़ेदार जो राइस के पकौड़े है, राइस का कटलेट भी बोल सकते हैं, ये एकदम रेडी है। आप चाय के साथ, दाल के साथ आप इसको खा सकते हैं, बहुत ही यामी एंड टेस्टी बनता है। तो चलिए मैं चलती हूँ और मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए तो कभी भी मेरी रेसिपी को आप मिस नहीं करेंगे। और आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स मैं चलती हूँ, मैं मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय।